हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका सुहाना की रसोई में। आज की रेसिपी है खम्मन की रेसिपी, जिसे आज हम बनाएंगे उत्तम खम्मन के पैकेट से। ये खम्मन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और अंदर से एकदम जाली जैसा बनकर तैयार होता है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट यह खम्मन बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए, मैं आपको ये खम्मन तोड़कर दिखाती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और बहुत ही कम टाइम पर आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले लेंगे उत्तम खम्मन इंस्टेंट मिक्स पैकेट। ये 500 ग्राम का पैकेट है। इसका MRP प्राइस 115 रुपए है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस पैकेट को निकालेंगे और इसे कट कर लेंगे। इसके अंदर जो खम्मन बनाने का मसाला पैक है, इसे निकाल कर अलग रख देंगे। बाद में इसे हम ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं आधा पैकेट का खम्मन बना रही हूँ, जो कि 250 ग्राम ये बेसन मैं यहाँ ले रही हूँ। अगर आप पूरे पैकेट का खम्मन बना रहे हो तो उसके लिए आप 600 ml पानी ले लें। यहाँ पर मैं आधा पैकेट का बना रही हूँ तो ये 300 ml पानी लिया है। पानी को थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और खम्मन का घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। एक साथ आपको पूरा पानी यहाँ ऐड नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर खम्मन का घोल इस तरह से तैयार करते जाएं। ये देखें, यहाँ पर खम्मन का एकदम चिकना घोल इस तरह से बनकर तैयार है। इसमें एक भी गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। इस तरह से बनाकर तैयार करें और इसे 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। एक कढ़ाई में 1.5 कप पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। एक थाली में तेल लगाकर तैयार कर लिया, जिसमें हम खम्मन बनाएंगे। यहाँ पर आपको सब कुछ फटाफट करना है। एक कटोरी लेंगे, इस कटोरी में आधा मसाला पैक डालेंगे। इसमें ऐड करेंगे 10 ml पानी और इसको बहुत ही अच्छे से मिलाना है। इसमें कोई गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए और फटाफट इस खम्मन के बैटर में डाल देंगे और डालकर इसे अच्छे से मिलाएं। 15 मिनट बाद आपको इस तरह से करना है। ये देखिए, मसाला पैक मिलाते ये काफ़ी अच्छा से खम्मन का घोल फूलने लगा और इस तरह से इसे थाली में डाल देंगे और इसे फटाफट इस कढ़ाई में रख देंगे। कढ़ाई को ढक्कन लगाकर कवर करेंगे और गैस के फ्लेम को हाई करेंगे और हाई फ्लेम पर इसे 20 मिनट भाप में पकने देंगे। 20 मिनट बाद ढक्कन हटाएंगे और इसे एक चाकू की मदद से चेक करेंगे। ये देखिए, चाकू अगर इस तरह से क्लीन निकल आता है तो यहाँ पर खम्मन एकदम परफेक्ट बनकर तैयार है। इसे एक तरफ रख देंगे ठंडा होने के लिए। खम्मन का तड़का बनाने के लिए एक पैन में 2 चम्मच तेल लिया है। तेल गर्म होते ही इसमें डालेंगे 1 चम्मच राई। राई को चटकने देंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। राई अच्छे से चटक चुकी है। 5 हरी मिर्च लेंगे, इस तरह से बड़े टुकड़ों में कटती हुई। आधा मिनट इसे फ्राई करेंगे। इसके बाद ऐड करेंगे 10 से 12 ये फ्रेश करी पत्ते हैं, इसको भी यहाँ पर आधा मिनट पकाएंगे। इसके बाद ऐड करेंगे 1/2 कप ये पानी है। पानी ऐड करने के बाद इसमें ऐड करेंगे 1/2 छोटी चम्मच हींग, 1/2 छोटी चम्मच नमक, 2 चम्मच मैं यहाँ पर शक्कर ले रही हूँ। शक्कर आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले लें, जितना आपको मीठा पसंद है। इसके बाद मैं 1/2 चम्मच या नींबू का रस ऐड कर रही हूँ और इसको यहाँ पर अच्छे से मिलाएंगे और 1 मिनट यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। 1 मिनट हो चुका है, गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। खम्मन यहाँ पर काफ़ी अच्छे से ठंडा हो चुका है। इसकी हम पीस बनाकर तैयार करेंगे। इस तरह से खम्मन के चारों ओर निशान बनाएं और खम्मन की पीस आप अपने हिसाब से बड़ी या छोटी बना सकते हैं, जैसी भी आपको पसंद है। ये देखिए, ये खम्मन काफ़ी अच्छे से फूला हुआ है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट ये खम्मन बनकर तैयार हुआ है। खम्मन की सारी पीस इस तरह से कट करके तैयार कर ली। अब इसे एक सर्विंग प्लेट में पलट लेंगे। ये देखिए, खम्मन को एक सर्विंग प्लेट में पलट लिया है और एक चाकू की मदद से इसमें गैपिंग बना दी है, जिससे कि जो हमने तड़का तैयार किया था आसानी से अंदर तक पहुंच जाए। इस तरह से इसके चारों तरफ तड़के को डालेंगे, अच्छे से तड़के को चारों तरफ फैला देंगे। खम्मन के ऊपर डालेंगे घिसा हुआ नारियल, इससे खम्मन का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। ये लीजिए, यहाँ पर बहुत ही डिलीशियस उत्तम खम्मन बनकर तैयार है। ये खम्मन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और एकदम जाली जैसा बनकर तैयार होता है। बहुत ही कम टाइम पर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और सॉफ्ट खम्मन बनकर तैयार है। तो आप भी इसे ज़रूर बनाएं और बनाकर इंजॉय करें। आपको हमारी ये खम्मन की रेसिपी कैसी लगी मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।